YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर जो कि पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, स्टॉक्स पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है अपने भी निवेशक को। तो इस स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक कि इसमें कोई भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है। जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आपको बाय करना है। देखिए, हम साथ साथ जो स्टॉक्स अवॉइड करना है वो भी बताते हैं, साथ साथ कौन सा स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए वो भी बताते हैं। देखिए, जैसे AVTNL हमने बताया था कि इस स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं जब इस दिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। और देखिए, यहाँ पर दूसरे दिन ये थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर आज फिर से ज़बरदस्त तेजी दिखाया। जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया उनको लगभग जो है 15% का रिटर्न मात्र 2 दिन में मिल चुका है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। देखिए, स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो ऐसे में आपको जो भी प्रॉफिट मिले उसको बुक करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया, जब ये गिरावट में मिले किसी में तब बाय करना है। ऐसे ऐसे बेहतरीन शेयर्स पे हम आपको इस चैनल पर बताते रहते हैं। ज़्यादातर अभी सेफ इन्वेस्टमेंट होगा कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जो भी गिरावट में आपको स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स मिल रहा है वो भी मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूं। तो यहां पर जो स्टॉक्स अवॉइड करना है वो है जोमेटो। देखिए, पेटीएम पे भी मैंने वीडियो बनाया था कब बाय करना है, उसी तरह से जोमेटो को भी अभी आपको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि स्टॉक जो है पूरी तरह से बेयरिश पैटर्न बनाया है। देखिए, यहाँ पर इसका जो ये सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक बुरी तरह से क्रैश हुआ, और अभी जो इसका पैटर्न है चार्ट पैटर्न वो पूरी तरह से बेयरिश है। तो जब तक चार्ट पैटर्न जो है बुलिश नहीं बन जाता है तब तक हम इसको अवॉइड करके चलेंगे। देखिए, इस तरह चार्ट पैटर्न है, लगातार ये लोअर यहाँ पर जो है हाइयर लो नहीं बना रहा है, यहाँ लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है। देखिए, यहाँ पर लगातार लोअर लो बना रहा है, तो इस तरह के स्टॉक्स को आपको अभी अवॉइड करना है। जब तक ये स्टॉक्स जो है हमारा हायर हाई और हायर लो नहीं बनाने लगता है तब तक हम इसको स्टॉक को अवॉइड करके चलेंगे। जैसे स्टॉक इस तरह के हायर हाई और हायर लो बनाना चालू करेगा तब हम इस स्टॉक्स को बाय करके चलेंगे। तो इस स्टॉक्स को अभी हमें पूरी तरह से जो है अवॉइड करना है, बाइंग करके नहीं चलना है। बहुत ही ज़्यादा गिरावट में स्टॉक्स मिल रहा है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई है देखिए वो लगभग 170 रुपीज़ के आसपास है, तो मात्र 75 रुपीज़ पे स्टॉक्स मिल रहा है। तो क्या अभी हम बाय कर लें? बहुत सारे ऐसे मतलब निवेशक होते हैं जो देखते हैं कि 170 से 75 स्टॉक्स आ चुका है तो अब क्या गिरेगा, अब हम इसको बाय कर लेते हैं, काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रहा है। तो देखिए, जब स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में हो तो वो और ज़्यादा गिर सकता है, गिरने का कोई लिमिटेशन नहीं है, और जब स्टॉक्स ऊपर जाता है तो उसका भी कोई लिमिटेशन है, वो कहीं तक भी जा सकता है। इसलिए हमें इस स्टॉक्स को अभी अवॉइड करना है। जब ये स्टॉक्स इस तरह से बुलिश पैटर्न बनाए, जब इसका पैटर्न जो है मतलब इसका जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जा रहा है तब हम इसको बाय करेंगे। मतलब जब गिरता है तो वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, तो इस तरह का पैटर्न जब बनाएगा तब हम उसको बाय करेंगे, चाहे ये जहाँ पे भी बनाए। थोड़े से महंगे खरीदेंगे लेकिन हम सेफ एंड सिक्योर खरीदेंगे। अभी जोमेटो को आपको अवॉइड करके चलना है। चलिए हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। अब देखिए, यहाँ पर जोमेटो के हम जो फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं तो सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, 59,000 करोड़ की ये कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल पर रिटर्न इक्विटी पूरी तरह से निगेटिव है। चलिए, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी बुरा है। हम यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं तो 2018 में जो सेल्स था 466 करोड़ का था, जो कि लगातार यहाँ पर बढ़ा है, और लगभग यहाँ पर देखिए 1994 करोड़ का सेल्स है जो फाइनेंशियल 2021 है। तो यहाँ पर सेल्स तो लगातार जंप हमें देखने मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी लगातार लॉस में है। देखिए, 2018 में 104 करोड़ का नेट लॉस था जो कि बढ़कर के हो गया यहाँ पर 800 करोड़ का यहाँ पर 2021 में, और 2020 में तो काफ़ी ज़्यादा है 2367 करोड़ का। तो कंपनी लगातार लॉस में है, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस स्टॉक्स को अवॉइड करके जाना है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। जब प्रॉफिट में है नहीं तो हम किसके लिए पे करें, किस लिए हम इस कंपनी में अपना ऑनरशिप लें जब कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है, तो हम इसके शेयर को बाय करके नहीं चलेंगे। शेयर कैपिटल 756 करोड़ का, रिजर्व जो है लगातार बढ़ा है, 15,000 करोड़ का हो चुका है, और बोरोविंग जो है 114 करोड़ का, तो डेट यहाँ पर काफ़ी कम है, मतलब यहाँ जो बोरोविंग आप देख रहे हैं कैश फ्लो तो पूरी तरह से निगेटिव है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से देखना है तो ये निगेटिव है। अब इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर जो FIIs का स्टेक है, अलग अलग स्टेक्स है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक डिफाइन नहीं है, यहाँ पब्लिक में ही आपको प्रमोटर का स्टेक देखने मिलेगा। देखिए, इन्फोएज इसके प्रमोटर कंपनी 15%, अलग अलग
इसमें आपको प्रमोटर के रूप में स्टेक देखने मिलेगा जो धीरे धीरे आके यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। एफ आई का स्टेक अच्छा खासा 11%, डी आई का स्टेक भी 4% है से ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्टॉक जो पूरी तरह से फाइट करने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल इसका जो हेल्थ है वो काफ़ी बुरा है। ना तो इसका बैलेंस शीट अच्छा है, ना तो इसका टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा है, ना तो इन्वेस्टर इसमें कोई खास इंटरेस्टेड है। अभी हम जोमेटो को पूरी तरह से अवॉइड करके चलेंगे, और जब तक ये बुलिश पैटर्न नहीं बनाता है तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो या इसी तरह के एजुकेशन एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे तो बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।